कुछ अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया में इस वीडियो को देखने के बाद जो है ऐसे मीम भी आने शुरू हो गए हैं कि दिल्ली में थाईलैंड का मजा ले रहे हैं सत्येंद्र जैन जी। दिल्ली के जेल में, दिल्ली के तिहाड़ जेल में थाईलैंड का मजा ले रहे हैं सत्येंद्र जैन जी। ये जेल तो जेल नहीं, उनके लिए आलीशान बंगलो जैसा है, हर तरह की फैसिलिटीज है। जेल की असल जिंदगी, जेल का टाइम टेबल क्या होता है, आप आगे के वीडियो में जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि जेल की जिंदगी कितनी कठिन होती है। और ये देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि 10x10 का कमरा मिल गया है, आप वहां पे रहिए, खाइए, पीजिए, जिस चीज की जरूरत है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आपको मिनटों में हाजिर हो जाएगा। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऐसे किस्से आते रहते हैं। अब ये देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मंत्रियों, सारे नेता जो भी जेल जाते होंगे उनको शायद इसी तरह की फैसिलिटीज होती मिलती होगी, इसलिए वो जेल से आने के बाद भी एकदम स्वस्थ हस्त पुष्ट नजर आते हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो वो जो छोटे कैदी होते हैं, गरीब कैदी होते हैं, उनके साथ वो व्यवहार और इनके साथ ये व्यवहार, ऐसा क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों आज एक वीडियो पे हमारी नजर पड़ी जो काफी वायरल भी हो रहा है, वो है दिल्ली की एक जेल का, जिसमें सत्येंद्र जैन करके एक मिनिस्टर रहे हैं, तो बंद है, जेल में बंद है, काफी टाइम से जेल में बंद है। लेकिन उनका जो वीडियो आया देख करके हैरान कर देने वाला वो वीडियो है, क्योंकि वो जेल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जेल, क्योंकि जेल का वीडियो मैंने आपको दिखाया भी है और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो जेल का वीडियो दिखाऊंगा कि जेल में किस तरह से टाइम टेबल होता है, किस तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है और किस तरह से जगह दी जाती है। एक कमरा दिख रहा है, कमरा में कई लोग दिख रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई सर मालिश कर रहा है, और ये तो फिर ये जेल कैसे हुआ? अभी पैर दबा रहा है, सर मालिश कर रहा है, तो आप समझिए उनके पास खाने की क्वालिटी भी हाई क्वालिटी की खाने की खाना आता होगा, पंखा है, एक कमरा है, तो वो जेल तो हुआ ही नहीं। जबकि जेल का जो लॉ है, जेल का जो रूल्स है, वो रूल्स ये है कि 6 बजे सुबह में उठना है आपको, 6 बजे सुबह उठ करके आपको अपना काम खुद करना है, उसके बाद आपको 6 से लेकर 12 बजे के टाइम तक आपका नाश्ता खाना सब आता है जो आपको लेना है, जो मैंने वीडियो में दिखाया आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप जो आप समझो कि इस तरह के टाइम टेबल होते हैं, फिर 12 बजे बैरक के अंदर आना रहता है, फिर 3 बजे तक बैरक में बंद रहना पड़ता है, फिर 3 बजे बैरक का दरवाजा खोला जाता है, फिर 2 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी 5 से 6 बजे के बीच में आपको बैरक के अंदर आना पड़ता है, और आने के बाद सुबह के 6 बजे तक इसी तरह से बंद रहता है, यही दिनचर्या होती है। खाना आपको वहां का ही खाना पड़ता है, बाहर का खाना बहुत ही रेयर केस में कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही अलाउड होता है। यहां तो पैर दबाते हुए दिख रहे हैं, सर दबाते हुए दिख रहे हैं, मसाज करते हुए दिख रहे हैं, मालिश करते हुए दिख रहे हैं, मुझे देख के हैरानी हो रही है। जबकि आम कैदियों के साथ दोस्तों जो व्यवहार होता है जेल में, 1.5 फुट की जगह, 1.5 फुट यानी 2 फुट भी नहीं, 1.5 फुट की जगह पे उनको रहना पड़ता है। अगर मैं थाने जेल की बात करूं तो 2,500 स्क्वायर फीट के एक हॉल में करीबन 180 से लेके 200 लोग रहते हैं, सबका कपड़ा ये वो, और यहाँ तो 10x10 का एक कमरा मिला हुआ है। चलो ठीक है, ऐसे VVIP का कैदी को जो है अलग से रखा जाता है, लेकिन अलग से रखा जाता है उसके लिए भी कंडीशन सेम है, टर्म्स ऑफ कंडीशन सेम है। ऐसा नहीं कि उसको जो है आप पैर दबाओ, सर दबाओ, मालिश करो, सारी फैसिलिटीज मुहैया कराओ। अब जब पैर दबाया जा रहा है, सर दबाया जा रहा है, मालिश की जा रही है, तो उनके पास मोबाइल भी होगा, यानी मोबाइल पे भी बात करते होंगे, खाना भी अच्छा आ रहा होगा, तो फिर ये जेल कैसा? तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो वो जो छोटे कैदी होते हैं, गरीब कैदी होते हैं, उनके साथ वो व्यवहार और इनके साथ ये व्यवहार, ऐसा क्यों? तिहाड़ जेल की ही बात आप अगर मैं बात करूं तो सुकेश एक बहुत ही चर्चित नाम है, जिसके पास उस जेल में हर तरह की फैसिलिटीज मुहैया थी, मुझे लगता है कि शायद इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था, 100-200 करोड़ रुपए तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। तो सुकेश के बारे में भी आपको पता ही होगा, हालांकि उसका कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, ये एक पॉलिटिकल लीडर है,
किसी वजह से या किसी मतलब आप समझते हैं इलेक्शन की वजह से या जिस वजह से भी ये वीडियो अगर बाहर आया लीक हुआ, लेकिन हैरान कर देने वाला वीडियो है। मतलब अगर इसकी हैरानी हम अभी इस तरह से बताते, यानी ऐसे जितने भी नेता जाते होंगे सबको कहीं ना कहीं ऐसे ही रखा जाता होगा। आपने बहुत सारे इसके पहले भी सुने हैं कि दबंग नेता, बड़े नेता, उनके लिए पूरा जेल जेल जैसा नहीं रहता है, उनका जेल एक घर जैसा रहता है, वहां से वो सारी चीज को ऑपरेट करते हैं। और इतना आराम मिले तो आदमी सालों साल जेल में रह जाए, फिर वो जेल से निकलने की सोचे ही नहीं। दोस्तों, जेल की जिंदगी वाकई में बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। और मुझे ये वीडियो देख करके हैरानी हुई, क्योंकि मैं खुद जेल जा करके आया हूं और मैंने जेल के हालात देखे। इस तरह की फैसिलिटीज मुझे वहां देखने को नहीं मिली थी। अब तिहाड़ जेल के बारे में कहना है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अब थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दी जाती तो समझ में आता है, लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे नौकर चाकर, सब मतलब ताज्जुब होता है, बहुत बहुत ताज्जुब होता है दोस्तों। तो जेल की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वाकई में जेल के बारे में जो अलग अलग वीडियोज आते हैं, एक्चुअल में जेल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जेल की जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। जेल के 24 घंटे बिताने का मतलब है कि आप 24 घंटे में जितनी देर आपकी आंख बंद है, यानी जितनी देर आपको नींद आ जाए, उतनी देर ही आपको शायद सुकून मिलेगा। उसके अलावा हर पल आप तकलीफ से ही गुजरते हैं। जेल के 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो जेल के 24 घंटे में अगर कोई भी कैदी जैसे ही जेल में जाता है तो उसको सबसे पहले जेल के अंदर जाने के बाद क्या दिया जाता है, तो सबसे पहले जाने के बाद जैसे ही आप जेल जाते हैं आपकी एंट्री होती है और आपको दिया जाता है इस तरह का एक प्लेट। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का एक प्लेट दिया जाता है। ये प्लेट एल्युमिनियम का, स्टील का नहीं होता, ये प्लेट होता है फाइबर का। ये एक प्लेट दिया जाता है और एक ये बाटी, इतना ही छोटा बाटी, इसी तरह का एक बाटी होता है। तो वो कुछ किस्मत होते हैं ऐसे कैदी जिनको ये दोनों एक साथ मिल जाता है, लेकिन कई बार जो नए कैदी होते हैं उनको एक को एक जैसे ये बाटी मिला है तो किसी को ये प्लेट मिला है। ये स्टार्टअप है। आप जब अंदर जाए पीने के लिए, लोग ऐसा नॉर्मल आप वीडियो में देखेंगे कि ग्लास दिखाया जाता है, एक्चुअली पीने के पानी के लिए ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है। पीने के पानी के लिए लोग इस तरह से काट करके ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, बोतल को, ये बिस्लरी की बोतल है, इसको काट करके पीने के पानी के इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर लोगों के हाथ में इस तरह की बिस्लरी की बोतल यानी पानी बोतल होती है, बिस्लरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह की बोतल होती है, इसको वो बहुत संभाल के रखता है जो भी कैदी होता है, ताकि प्यास लगे तो वो पानी पी सके। ये बेसिक हो गई। अंदर जाने के बाद ऐसा एक चादर इस तरह का या फिर इस तरह का एक चादर, एक ही चादर दिया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है कि दो चादर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक चादर दिखाया जाता है, एक चादर दिया जाता है। बाकी अगर कोई चादर है तो आदमी वो बाहर से मंगा सकता है अपने परिवार वालों से। तो बेसिक इतना चीज है। इसके अलावा आप क्या रख सकते हो, तो शॉर्ट रख सकते हो, यानी कि आप जब जेल जाते हो तो ट्रैक पैंट है, बेल्ट नहीं रख सकते, कोई भी नाड़े वाला सामान नहीं रख सकते, नाड़े वाला ट्रैक पैंट नहीं रख सकते, ज्यादातर लोग शॉर्ट्स पहनते हैं। जमीन पे सोना होता है, जमीन पे या तो आप ये चादर बिछाओ या ओढ़ो, अगर आपके पास दूसरा चादर नहीं है तो। अब ये एक बाटी और एक ये प्लेट में खाना कैसे दिया जाता है, तो अमूमन जो नए कैदी होते हैं उनको ये प्लेट लेना होता है। इसी प्लेट में उसको एक बार लाइन लग करके समझो भाजी लेना रहता है, फिर दोबारा उसको लाइन लगना पड़ेगा रोटी के लिए, फिर दोबारा उसको तीसरी बार लाइन लगना पड़ेगा राइस के लिए, चौथी बार लाइन लगना पड़ेगा
दाल के लिए, और दाल के लिए ज्यादातर दाल और भाजी के लिए लोग इसी तरह के बॉटल्स को काट करके, चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो इसी तरह के बॉटल्स को काट करके इसी के अंदर दाल या भाजी लेते हैं और फिर जो है उसको। तो अब ये पूरा आप समझ लो कि ये इस तरह से जो है एक आदमी के पास जेल में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है खाने पीने के लिए कि खाना वो किस में खाए। तो ये प्लेट है, इस प्लेट में दाल, चावल, भाजी, ये सारे चीज, ये सारे बिल्कुल ऑफ कोर्स जो है स्वादिष्ट नहीं होते, ये खाने स्वादिष्ट खाने नहीं होते, बिना तेल मसाले के आप कह सकते हैं कि ऐसा खाना होता है जिसको आप खा करके आपका पेट भर सकते हैं। यही एक्चुअल में दिनचर्या है, यही इसी तरह से खाना दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे टाइमिंग ऐसे बताए गए कि जेल में जो 24 घंटे होते हैं वो 24 घंटे कैसे बीतते हैं, 24 घंटे कैसे बीतते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे, 6:15, 6:15, अलग अलग जेल का टाइमिंग अलग हो सकता है, इस वक्त में हर कैदी को उठना ही उठना है और उठ करके उसको सारे कैदी को जोड़ी बना करके बैठना रहता है। यानी कि आप देखोगे कि बच्चे लोग जैसे क्लास में बैठते हैं एक दूसरे को जोड़ी बना के, तो वैसे जमीन पे जोड़ी बना करके सारे कैदी बैठते हैं और एक जो जगह होता है, यानी आप समझो 500-700 स्क्वायर फीट का जगह होगा, उसमें करीबन जो है 200 लोग जो है, 150-200 लोग रहते हैं, वो 150-200 लोग जो है जोड़ी बना करके बैठते हैं। और फिर पुलिस वाले बाबा, यानी उनको वहां पे बाबा कहा जाता है, वो आते हैं, उसको काउंट करते हैं कि जितने भी कैदी रात में सोए थे वो सुबह उतने ही हैं या नहीं है, गिनते हैं, गिनती करके चले जाते हैं, फिर बैरक का दरवाजा खुलता है और लोग तूफान की गति से बाहर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जैसे ही जाएगा तो उसको, किसी को टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करना है, मुंह धोना है पानी के लिए, तो पानी के नल बड़े बारीक बारीक होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, और एक आपने नाला जैसा बना रहता है बड़ा ऐसा, और उसमें पानी बहता रहता है बड़ा गंदा सा पानी वानी, ये करके बड़ी मुश्किल से लोग जो है पानी लेकर के, एक बोतल पानी लेना बोलो तो जंग है, एक बोतल पानी लेकर के आदमी जो है उसे मुंह गर धोता है, ब्रश करता है। और नहाने का जहां तक सवाल है, तो नहाने का कुछ लोगों को नहाने मिलता है, कुछ लोगों को नहाने नहीं मिलता है, क्योंकि नहाने के लिए पानी के लिए भी जंग करना पड़ता है और उसके लिए आपके पास बाल्टी हो, तो जो नए कैदी होते हैं उनके पास बाल्टी नहीं होता है, तो वो किसी ना किसी के ग्रुप में ज्वाइन होकर के कुछ काम करके इस तरह से स्टार्ट, मतलब 2-4 दिन 10 दिन तो ऐसे चला ही जाता है। अब ये सारा चीज होने के बाद कुछ नाश्ता बताया जाता है कि चाय आता है और नाश्ता आता है, चाय बिल्कुल पानी के जैसा चाय रहता है, जो कि आपको एक तसल्ली होगी कि आपने चाय पिया। ज्यादातर लोग चाय इसी तरह के बोतल को काट करके उसके अंदर लेते हैं, और कफ वहां पे बहुत कम लोगों के पास होंगे, यानी कि प्लास्टिक के कप, जो बहुत पुराने कैदी है उनके पास प्लास्टिक के कप वगैरह मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर जो है इसी तरह के इस पे चाय लेते हैं और पीते हैं। इसके अलावा रवा या उपमा, ज्यादातर रवा या उपमा नाश्ते के लिए आता है, वो भी स्वादहीन रहता है, आप रवा और उपमा में से जो चाहे आप, तो अलग अलग दिन अलग अलग आता है, तो रवा आता है, उपमा आता है, आदमी पेट भरने के लिए मजबूरी में, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, तो आपको खाने के लिए लेना ही पड़ेगा, ये लेते हैं। तो यानी कि अब सुबह उठे आपने, सुबह 6 बजे आपके बैरक का दरवाजा खोला गया, बैरक का दरवाजा खोलने के बाद आपको मुंह धोना है, ब्रश करना है, जो भी करना है, दिनचर्या खत्म करना है, फिर नाश्ता लेना है, फिर वो नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद फिर आप जो है बाहर आ जा सकते हो, यानी बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है, छोटा ही ग्राउंड होता है। अब जैसे ये सब करते हो 11 बज जाता है, 10:30-11 बज जाता है, और 10:30-11 बजते जो है आपको दोपहर का खाना सर्व किया जाता है, जो कि आपको इसी तरह से, अगर जिसके पास एक बाटी है तो उस बाटी में वो चावल लेगा, और दाल और भाजी के लिए नॉर्मली लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, रोटी हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से जुजाया करके जो है खाना लेकर के वो, और लेकिन हर किसी हर चीज के लिए अलग अलग लाइन लगना पड़ेगा, दाल के लिए अलग, चावल के लिए, राइस के लिए। आपने अपने फिल्मों में आप अमूमन देखा होगा कि एक लाइन होती है और लाइन में आकर के एक जगह, मतलब एक ही लाइन में दाल भी मिल रहा है, भाजी भी मिल रहा है और
चावल भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रहा है। जेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दाल के लिए एक अलग लाइन लगना है आपको, उस फिर दाल लेकर के आप निकलते हो, फिर चावल के लिए लगना है, चावल लेके निकलते हो, फिर भाजी के लिए निकलना है, भाजी के लिए भाजी लेके निकलते हो, फिर दाल लेकर के, यानी चार बार पूरा खाना लेने के लिए चार बार लाइन में लगना पड़ता है। और एक लाइन में अमूमन आपको लाइन लग के खाना लेने में 15 से 20 मिनट, यानी आपका 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो कम से कम ये चारों खाना लेने में जाता है। अब ये खाना आप लेकर के जाओ, फिर अंदर 11 बजे के आसपास आपको ये दोपहर का खाना मिल जाता है। आप चाहो तो अंदर जाके रख दो, फौरन खा लो, या फिर आप थोड़ी देर के बाद खा सकते हो। इसके ठीक थोड़ी देर के बाद, यानी 11:30-12 बजे के आसपास, मैं ये टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि 11 बजे से लेके 12 बजे के आस बीच में, यानी ज्यादातर 11 से लेके खाना आपने जैसे लिया 11 से लेके 11:30 के अंदर बेल बजता है, घंटी बजती है, और इस घंटी बजने के बाद सारे कैदी को अपने बैरक में जाना है। जिस बैरक में रहता है, जिसको जिस बैरक में जगह दिया गया है, उस बैरक में जाना है और वहां पे उसको बंद कर दिया जाता है। फिर बैरक का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, यानी कि जैसे आप बता सकते हो कि भेड़ बकरियों के जैसे आदमी पौड़ के अंदर आता है और अपनी अपनी जगह पे, कोई कहीं पे, क्योंकि जगह इतनी होती नहीं है, तो कोई किधर सिकड़ के बैठता है, कोई कुछ करता है, लेकिन बैठता है, कोई बैठता है, कोई लेटता है। लेटने की भी जगह बड़ी मुश्किल है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ खाने के बारे में बताता हूँ। तो वो हो गया। अब इसके बाद 12 बजे से लेके 11:30 से ले बोल सकते हो आप, या 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस बैरक का दरवाजा बंद रहेगा, यानी आपको अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते हो आप। 3 बजे फिर 1 घंटी बजेगी और बैरक का दरवाजा खुलेगा, सारे कैदी बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अमूमन 3 बजे, 3:30-3 बजे के आसपास भी चाय आता है। चाय मतलब आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने चाय पिया। वो चाय फिर से इसी तरह के, और ये बहुत बड़े काम की चीज है, बिस्लरी का बोतल जेल के लिए रामबाण है, बहुत बड़ी काम है हर काम के लिए, पीने से लेकर के, खाने से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, हर चीज में ये काम करता है। तो इसमें चाय लेते हैं लोग, अमूमन चाय लेकर के चाय वाय पीते हैं। पीने के बाद ठीक 4 से 5 के बीच, 4 बजे, 4:30-5 बजे, 5 बजे तक, यानी 4 से 5 के बीच रात का खाना आ जाता है। रात का खाना फिर से वैसे ही आएगा, जिसके पास एक प्लेट है, जिसके पास एक प्लेट बाटी है, वो उस हिसाब से लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्लेट है तो इस प्लेट में एक लाइन लगना है आपको, लाइन लग के पहले चावल लेना है या रोटी लेना है, फिर दूसरा लाइन लगना है आपको। समझो एक लाइन में आप लगे चावल लिया आपने, फिर दूसरा लाइन लगेंगे आप रोटी लेंगे आप, फिर तीसरा लाइन लगेंगे आप भाजी और दाल लेंगे। तो जिनके पास ये होता है, बहुत सारे लोग के पास ये बोतल भी नहीं होता है, तो जिनके पास ये बोतल होता है तो इस बोतल में भाजी और दाल ले लेते हैं और प्लेट में चावल और रोटी ले लेते हैं और फिर बैठ करके अंदर जा करके खा लेते हैं। इस तरह से ये एक सिंगल कैदी की दिनचर्या है। अब आप वो खाना ले जाकर के अंदर रख दो, जहां पे आपका जगह है, जगह भी आपका कहाँ है, आपको जिधर जगह मिल जाती है आप बैठ जाते हो, क्योंकि कोई परमानेंट जगह जो नए कैदी है उसके लिए तो होते नहीं है। वो मतलब बोलते ना कि कभी इधर कभी उधर, लोटे के जैसा उसको कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है, तो उसकी जिंदगी बड़ी नरक भरी होती है स्टार्ट में। और लोग वैसा जीना जीते हैं, कर 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 क्या सकते, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते वो। अब वो अमूमन 5-5:30 बजे, जिनको 5 बजे तक फिर ये हो जाता है, फिर 5-5:30 बजते तक फिर से, यानी आपने खाना लिया 5:30 बजते तक फिर से 1 घंटा बचता है। और उस घंटे का मतलब है कि सारे कैदी अंदर चले जाओ। अब सारे कैदी जो जिस बैरक में रहते थे उस बैरक के अंदर वो सारे कैदी चले जाएंगे। जाने के बाद फिर कुछ लोग खाएंगे अपना खाना जो लेके गए थे, वो खाएंगे पिएंगे, और फिर जो है आपस में कैदी एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तू किस केस में आया, तू किस केस में आया है। कुछ तो कोई बोलता है मुझे इस वजह से फंसा दिया गया, मुझे इस वजह से फंसा दिया गया।
ज्यादातर लोग अपने आप को इनोसेंट कहते हैं, लेकिन सबके सब इनोसेंट नहीं होते हैं। कुछ लोग इनोसेंट होते भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मेन अक्यूज्ड है, मेन आरोपी है, तो उसके दोस्त थे, वो उनके साथ वहां खड़े थे, उनके साथ शामिल थे, तो उस वजह से भी कुछ लोग होते हैं। तो आपस की बातें करते हैं, बातें खत्म होने के बाद जो है फिर अब आप समझो कि 150 से 200 लोग एक 700 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट, मेरे जो अंदाजा लगाया है उतना है, उतने जगह में 150 से 200 कैदी को आपस में अगर चार चार बार चार चार लोग बात कर रहे हैं, तो वो जो शोर होता है ना, वो कभी ना खत्म होने वाला शोर होता है जब आप अंदर रहते हो, यानी कि जब आप बैरिगेट के अंदर रहते हो, तो हर थोड़ी थोड़ी हर दो चार लोग आपस में बात करते रहते, तो वो एक सराउंडिंग में पूरा शोर गूंजता है, और वो शोर से आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप बहुत तकलीफ झेलते हो, यानी वो भी एक तकलीफ भरा टाइम है। तो अब वो 5-6 बजे से हुआ, तो अब उम्र जो है 10 बजे रात तक इसी तरह के शोर चलते रहते हैं, और 10 बजे के बाद सोना कंपलसरी है, तो आपको लाइन में लग के सोना है। सोने का इंतजाम कैसे होता है, यानी आदमी सोता कैसा है जेल में, उसका मैं आपको दूसरी वीडियो में वो बताऊंगा, मैं आपको सारा एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो 10 बजे, इस बीच शाम को ये जरूर होता है, जो सुबह और शाम दोनों की वक्त की बात करूं, तो सुबह भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो पूजा करते हैं, पूजा की जगह बनी रहती है, वहां पे पूजा करते हैं, और शाम को भी पूजा करते हैं, तो पूजा में भी लोगों का अपना वक्त गुजर जाता है। जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, जो जो के नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस पूरे दिन में जो है एक जगह पे अपना जो जहाँ पे रहते हैं वहां पे थोड़ा सा जगह बना करके नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज और पूजा ये हर बैरक में हर रोज होता है, और लोग पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, प्रे करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ये सब में दोनों एक दूसरे, दोनों धर्म के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते, रात को 10 बजे सो जाते हैं। सोना क्या कहेंगे, जो गुनहगार होता है वो अपने गुनाह के लिए पछताता है, सोचता है क्यों हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ। जो किसी वजह से किसी को फंसा दिया जाता है, या किसकी छोटी सी गलती होती है और उसकी वजह से जेल जाता है, तो वो बड़ा अफसोस जताता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, मेरे साथ तो सडन ऐसा इंसिडेंट हो गया और सडन मैं जेल चला आया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सडन उनसे कुछ गलती हो जाती है, और ऐसे में उसको उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, और FIR दर्ज होने के बाद इन प्रक्रिया से जो है गुजरना ही पड़ता है, तो ऐसा होता है। तो अंदर जाके लोग अपने आप को अंदर से झांकना शुरू करते हैं, वो कहाँ गलत कहाँ सही, और इस तरह से प्रोफेशनल कैसे होते हैं उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, जो नए कैदी होते हैं, जो नए लोग होते हैं जो जेल में आते हैं, उनको कैसा, उनका लाइफ कैसा है। तो उनका लाइफ कुछ इसी तरह से है, उसके लाइफ में फिर और थोड़ा सा चेंजेज कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो अब रात के 10-11 बजे तक सबको लेट जाना है, आपको नींद आए या ना आए आपको लेटना है, और उतने से ही जगह में आप समझिए कि उन 150-200 लोगों को लेटना है, वो लेट जाते हैं, और फिर रात आप या तो जाग के गुजारिए, सो के गुजारिए, या जैसे भी गुजारिए, आपको रात गुजारना है। फिर सुबह होगी, और फिर सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या वही होगी। तो दोस्तों ये थी कि आपको जेल में जाने के बाद आपको किस तरह से खाना दिया जाता है, आप किस तरह से आप वहां पे रहते हो, किस तरह का आपको किस तरह से आपको खाना दिया जाता है, किस तरह से आप रहते हो, किस तरह से सोते हो। लेकिन अगर अब दूसरे वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि सोने का इंतजाम कैसे होता है, सोते कैसे हैं कैदी, पानी और अपने कपड़े को किस तरह से रखते हैं, प्लेट को किस तरह से रखते हैं, ये बताने की कोशिश करूंगा। और खास करके ये कि कैंटीन में क्या मिलता है,
और कैंटीन से कैदी क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये एकदम एक्चुअल आपको मैंने एक्चुअल डिटेल्स बताई है जेल की, क्योंकि मैं जेल जाके आ चुका हूं और मैं ये बोलने में जरा भी मुझे शर्म और ये महसूस नहीं होती है, क्योंकि जिस वजह से मैं जेल गया था वो कोई क्राइम नहीं था, मेरा अपना सगा परिवार वाला बेड पे तड़प रहा था, एम्बुलेंस पे तड़प रहा था, मरने की गगार पे था, और जिस जगह पे मैं लेके गया था, जिस डॉक्टर के पास मैं लेके गया था, वो डॉक्टर उसको एडमिट करने के लिए तैयार तो छोड़ो, उसको चेकअप करने के लिए तैयार नहीं था। और ये हमारा सिस्टम है, इसको मैंने फेस किया है और जेल की जिंदगी को मैंने महसूस किया है। तो आने वाले दूसरे एपिसोड में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि सोते कैसे हैं, व्यवहार कैसे होता है, लोगों के साथ मिलने कब दिया जाता है, ये सब चीजें एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कि कोई ऐसे लोग जो जाने अनजाने में उनको जेल जाना पड़ा किसी छोटी मोटी गलती की वजह से, तो अपने एक्सपीरियंस को भी जरूर शेयर करें। और मैं दुआ करता हूं कि भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे कि किसी को भी जेल जाना पड़े। थैंक यू सो मच।